छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने भरोसा जताया है कि अगले साल छत्तीसगढ़ में डेविस कप का आयोजन होगा। खेल आयोजन के लिए स्टेडियम का निर्माण अंतिम चरणों में है। गुरुचरण सिंह होरा गुरुवार को कोरबा जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता कर खेलों को गति देने के संबंध में पत्रकारों से विस्तार से चर्चा की। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल प्रदेश में डेविस कप जैसा अंतरराष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा। जी हां, ये बातें ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। छत्तीसगढ़ खेल के मामले में पूरे विश्व के मानचित्र पर अपनी एक अलग जगह बनाएगा। प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने गुरुवार को कोरबा दौरे के दौरान कहा। इस दौरान उन्होंने कई खेल संघों से मुलाकात भी की। शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर उन्होंने स्पष्ट किया कि खेल के मामलों में छत्तीसगढ़ काफी आगे निकल गया है। समग्र खेल के विकास की भावना उन्होंने बताया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में खेल को बढ़ावा देने के लिए काफी गंभीर हैं। बजट में भी उन्होंने खेल प्राधिकरण का गठन करने की घोषणा की है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ओलंपिक में शामिल 30 खेलों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी प्रयास किए जाएंगे। पिछले जो कार्यकाल रहा 10-15 साल का, उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इन पिछले 3 साल में आप जानकारी में लाभ होगा, अभी राजनांदगांव में भी खेलो इंडिया में शामिल किया गया। वहां मीनार चौबे करके आपने नाम सुना होगा, वो खेला गीता डुबरे हमारे यहाँ से खेली हुई। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में खिलाड़ी नहीं निकले, तारिक अनवर खेला हुआ है, नैनुद्दीन खेला हुआ है, हमारे यहाँ ओलंपियन है, हमारे छत्तीसगढ़ में ओलंपियन खेले हुए लोग हैं। तो ये कहना वाजिब नहीं होगा कि अभी के समय में, मैं आपको बता दू हर खेल में पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अरे पहले क्या होता था, प्रशिक्षक खिलाता था, संसाधन कम होकर भी हम पहले ज्यादा रहा। अभी संसाधन बढ़े तो जो मीडिया का आजकल युग आ गया, मोबाइल टेलीफोन, आप देखेंगे बच्चों का जो डायवर्शन है ये उस तरफ जा रहा है। आप देखेंगे आजकल 8th क्लास का बच्चा हो, 5th क्लास का बच्चा हो, और अभी तो कोरोना के कारण ये हो गया कि ऑनलाइन कर दिया तो छोटा छोटा बच्चा मोबाइल पकड़ लिया। तो जब तक इससे हम दूर नहीं निकले, ये बोलना आसान है, जब तक वो बच्चा इन सब चीजों से मुक्त नहीं होगा और अपने कंसर्न पे जो पहले हम गिल्ली डंडा खेल लेते थे, घोड़ा खेल लेते थे, एक हाफ पेड़ में ग्राउंड पर निकल जाते थे, तरिया कह के पार हो जाते थे, आजकल ये संस्कृति थोड़ी कम हो रही। उसके तरफ ही खिलाड़ी थोड़े कम हो गए। खिलाड़ी क्या चाह रहा है, खिलाड़ी निर्भर होना चाहता है खेल संघों पे, शासन पे, प्रशासन पे। इंडिविजुअल गेम, इंडिविजुअल स्पिरिट जब आएगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही प्रबल एक दायित्व है, पेश है तो भरोसा है। उजागर किया, अभी जो कल खेल बजट आया उसमें 75 करोड़ रुपए निगरानी क्लब के लिए, 1100 करोड़ रुपए उसके लिए, और टेनिस एकेडमी के लिए 2 करोड़ रुपए सेंक्शन किया। इसके पिछले बजट में 17 करोड़ रुपया सिर्फ टेनिस का स्टेडियम जो रायपुर शहर में बनने जा रहा है मैरियट होटल के साथ, वो काफी 50% बन चुका है। और आने वाले समय में हम डेविस कप को मेट्रो में देखने जाते थे, वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोटा का स्टेडियम, हॉकी का स्टेडियम, अभी खेलो इंडिया में 7 खेलों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शामिल करवाया, जिसमें बहतराई में हॉकी का स्टेडियम, शिवतराई में हॉकी की नर्सरी, आपकी उसके बाद आर्चरी, धनुष विद्या, हमारा ट्राइबल बेल्ट है, बस्तर सरगुजा लोग में हमारे काफी ट्राइबल लोग खेलते हैं, तो आर्चरी हमारा इंडिया में सेकंड थर्ड नंबर पे ये माना जाता है। अभी जो डेविस कप हुआ था दिल्ली में, इसमें इंडिया ने डेनमार्क को हराया था, उसके लिए मैं 2-3 दिन को दिल्ली में था, उसमें इंडिया के लिए एज ए प्रतिनिधि मैं उसमें शामिल हुआ था। अभी मोटर स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा आयोजन हुआ है रायपुर शहर में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोटरसाइकिल चलाई, मोटरसाइकिल से देखा हुआ वहाँ भी बतौर महामंत्री का शामिल हुआ था। मेरी रुचि व्यवसाय के अलावा खेलों के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। बचपन से मैं शतरंज का खिलाड़ी रहा, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, एक यूनियन क्लब नाम से बहुत प्रसिद्ध संस्था है रायपुर में, उसमें टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन, स्विमिंग पूल, लॉन टेनिस, इस तरह की बहुत सारी विधायक। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के 30 खेल संगठन
मतलब फुटबॉल, हॉकी, जिमनास्टिक, ट्रायथलॉन, ऐसे ऐसे खेल जो इस खेलों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। साथ ही कोरबा खेलों की दृष्टि से थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि जो साधन जो सुविधाएं की चीज है वो अब जाके पूरी हो रही है। यहाँ के ओलंपिक संघ वाले भी मेरा मैं खेलों की दृष्टि से चाहता था। राज्य ओलंपिक संघ के महासचिव ने बताया कि डेविस कप के आयोजन को लेकर स्टेडियम का निर्माण कार्य जारी है। जैसे ही खेल मैदान का निर्माण होता है वैसे ही इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन को लेकर रास्ता साफ होगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि डेविस कप के आयोजन को लेकर तस्वीर कब तक साफ हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज।